बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो दोस्तों, मैं अपने गांव से तकरीबन 10-11 किलोमीटर दूर आया हुआ था, तो एक मैंने कब्र देखी। अब जो मैंने उसके मुतलक इन्फॉर्मेशन सुनी है और वो दरबार है इस वक्त, और मैं उसके मुतलक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दूँगा कि ये कब्र क्यों और किस तरह बनी। तो इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं, वो वहाँ पर झोंपड़ी बनी हुई है, और इधर आप लोग देखें ये कब्र मुबारक है। अब यहाँ के जो इतलात जो बताई जाती हैं वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, और आप लोगों को सारे डिटेल बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त मौजूद हैं, ये वो सामने नलका लगा हुआ है, ये झोंपड़ी, और ये देखें यहाँ पर झूल भी लगी हुई है, जहाँ पर बच्चे कोई भी आता है यहाँ पर अपने लिए ये मतलब आराम करता है, झूलता है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं जो इसकी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है। ये कब्र जो मौजूद है यहाँ का, बताया जाता है कि भाई यहाँ पर कोई तकरीबन 100 साल पहले, उस टाइम के बाद से ये कब्र मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जब कुछ 30-40 साल गुजरने के बाद यहाँ पर तकरीबन इंडिया से कोई सिख आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इस जगह को खोदा। जगह को खोदने के बाद इसके नीचे से सोने की देगें थी वो लेकर गए थे। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसके मुतलक, लेकिन इसका कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये सच है। लेकिन तो इस वक्त यहाँ पर जो कब्र है यहाँ पर ऊपर ये देखें कपड़ा भी मौजूद है, अल्लाह रसूल का नाम भी लिखा हुआ है। अब पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर ऐसा भी होता है कि सुनने में आता है कि लोग ऐसे ही कपड़ा रख देते हैं और एक नाम की, लेकिन कुछ इस तरह से होता है लोगों का कि क्या पता अल्लाह का बंदा हो, भले वक्तों की जगह है, तो इसलिए ही इसके ऊपर कपड़ा को, अल्लाह का नेक बंदा था। लेकिन मैं इसको वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी पुरानी कब्र है। और ये देखें पीलू का काफ़ी पुराना दरख्त मौजूद है, जिसे हम वन का दरख्त भी कहते हैं, और ये काफ़ी यहाँ पर पौधे वगैरह भी लगाए हुए हैं। ये देखें इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा पौधे भी लगाए हुए हैं। लेकिन इस कब्र को मैं अभी आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बताई जाती है। यहाँ पर जो सिख आए थे उन्होंने यहाँ से कब्रें यहाँ से खोदने के बाद अपनी सोने की जो देगें थी वो लेकर गए चले थे, और बाद में इसको इस कब्र को इसके ऊपर जो मिट्टी पड़ी हुई थी तो लोगों ने समझा भाई यहाँ पर ये अल्लाह के बंदे हैं, इसके ऊपर कपड़ा पटक दिया। लेकिन मैं इस चीज़ को हकीकत में नहीं कह रहा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी अल्लाह की ज़ात जानती है कि ये किस तरह है किस तरह नहीं है। देखें हमारे नज़र में तो यही है कि अल्लाह वाले नेक बंदे हैं और गैब की चीज़ों का अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जो जगह है ये जिस भाई की जो ज़मीन में मौजूद है उन्होंने इस जगह को छोड़ा हुआ है। आप 10-15 मरले ये जगह है जो खुली पड़ी हुई है, तो यहाँ पर लोग आते हैं, मानने वाले हैं वो आते हैं और यहाँ पर दुआ वगैरह करते हैं। ये अगर आप लोग जो दरख्त देख रहे हैं ये तकरीबन इससे महसूस होता है कि ये 100 साल से ज़ायद का इसका अरसा हो चुका है, इसका जो मुड्डू ख़राब हो रहा है। और ये वन का दरख्त काफ़ी पुराना होता है, इसको पीलू का दरख्त भी बोलते हैं, और अभी भी ये इसी तरह मौजूद है। तो वो सामने भी इसी तरह है और ये पुराने दरख्त इस तरह इसके ऊपर छाए हुए हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो का करते हैं एंड, मिलेंगे एक नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।